लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार शाम हुए विनाशकारी धमाके में अब तक 135 लोगों की जान जा चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। राहत बचाव कर्मी अब भी मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। धमाके में लेबनान का मुख्य अन्नगार भी बर्बाद हो गया है। इस तबाही के बाद लेबनान के पास 1 महीने से भी कम का सुरक्षित अनाज बचा है। बुधवार को लेबनान के वित्त मंत्री राउल नेहो ने मीडिया से कहा कि इस धमाके के बाद लेबनान के पास 1 महीने से भी कम के सुरक्षित अनाज बचे हैं, लेकिन आटा पर्याप्त है, इसलिए संकट से बचा जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि कम से कम 3 महीने के सुरक्षित अनाज होने चाहिए। धमाके से पहले ही लेबनान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अनाज आयात करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि धमाके में तबाह हुए अनाज गोदामों में कम से कम 15,000 टन अनाज की बर्बादी हुई है, हालांकि इनकी 1,20,000 टन की है। लेबनान ज्यादातर खाद्य सामग्री आयात करता है और अनाज का बड़ा हिस्सा पोर्ट पर स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन धमाके में ये स्टोर किए अनाज भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। लेबनान खाद्य संकट के मुहाने पर खड़ा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि सफेद धुएं के गुब्बारे एक गोदाम से उठ रहे हैं। पास में ही एक अनाज का गोदाम था। इसके ठीक पहले एक विनाशकारी धमाका हुआ और ये इतना जोरदार था कि पूरे शहर में आग की लपटे और धुएं के गुब्बार फैल गए। आपको बता दें कि दूसरा धमाका पोर्ट के करीब इमारतों के पास हुआ और इसका असर पूरे बेरूत शहर पर पड़ा। बेरूत 20 लाख लोगों का घर है। देखते ही देखते अस्पताल पीड़ितों से भर गए। लेबनानी रेड क्रॉस के प्रमुख जॉर्ज कैटानी ने कहा कि हम लोग विनाशकारी मंजर की गवाह बने। चारों तरफ जख्म और तबाही का आलम था। धमाकों के आकार के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये इतना जोरदार था कि जहां धमाका हुआ वहां से 9 किलोमीटर दूर बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शीशे टूटने लगे। वहां से 200 किलोमीटर दूर साइप्रस के धमाके की गूंज सुनाई पड़ी। अमेरिका के भूकंप वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धमाका 3.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बराबर था। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल इओन का कहना है कि पोर्ट पर एक गोदाम में 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। इस धमाके के लिए राष्ट्रपति इओन ने इसी अमोनियम नाइट्रेट को जिम्मेदार ठहराया है। इसी मात्रा में 2013 में एक पोत से केमिकल जब्त किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट क्रिस्टल की तरह होता है। सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल नाइट्रोजन के रूप में खेती में उर्वरक के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ईंधन तेल के साथ विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। यह खनन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काम आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट को ठीक से रखा जाए तो यह बाकी केमिकलों की तुलना में सुरक्षित है। हालांकि बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लंबे समय तक रखा जाता है तो इसमें विघटन शुरू हो जाता है और आगे चलकर विस्फोटक साबित होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इओन दुर्घटना स्थल पर बुधवार को जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसकी तत्काल जांच कराएंगे और पता लगाया जाए कि ये धमाके किन परिस्थितियों में हुए हैं। पूरे मामले में जिनकी भी लापरवाही सामने आएगी उन्हें सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री हसन दियाब ने भी लापरवाही को अस्वीकार बताया है। पोर्ट के महाप्रबंधक हसन कोरियात और लेबनानी कस्टम के महानिदेशक बादरी दाहिर ने बुधवार को कहा कि अमोनियम नाइट्रेट को रखने के मामले में लापरवाही बरती गई है।